नमस्ते एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप लोग को पता है, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो उत्तरायण का व्लॉग है, यानी कि उत्तरायण अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। सो आप भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लकीली उत्तरायण के दिन हमें डे ऑफ मिल गया था एंड हमने अपना दिन काफ़ी अच्छे से इन्जॉय किया। सो हम यहाँ पे जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है अहमदाबाद में, वो हमें मेनली देखने जाना था, बट उससे पहले हमने दोपहर में यानी कि नून में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया अपने टेरेस पे, अपने सोसाइटी के टेरेस पे। एंड अगर आप देखेंगे ना, एंड मेनली आप अहमदाबाद से हो तो यू वुड नो कि टेरेस पे आप उत्तरायण के दो तीन दिन इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, एकदम कीड़े मकोड़े जैसे लोग दिखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, हर कोई अपने अपने टेरेस पे होता है, हर कोई चिल्लाता होता है, हर कोई वहाँ पे काइट्स वगैरह उड़ाते होते हैं। सो हमने भी ये सब किया एंड उसके बाद हम निकल गए काइट फेस्टिवल देखने के लिए। और क्योंकि उत्तरायण था तो ये सारी चीज़ें यहाँ के जो स्पेशलिटी होती है अहमदाबाद की, ये सारे फरसान खाने तो ज़रूरी थे, तो हमने रास्ते में थोड़ी बहुत चीज़ें खाई। चौड़ा फली बेसिकली ये बेसन से बनती है और यहाँ की सारी डिशों में ना डिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इनकी चटनी, तो जो भी कुछ टेस्ट था ना मोस्टली वो चटनी से ही आता था। मुझे तो उतनी ज़्यादा ये खास नहीं लगी। उसके बाद जलेबी, फाफड़ा और ढोकला, ये सारी चीज़ें हमने खाई। तो तारक मेहता में, जीटा लाल में जो भी आप फरसान देखते होंगे ना, स्पेशली वो गर्मा गर्म जलेबियाँ, फाफड़े, थेपला और गाठिया, ये सारी चीज़ें यहाँ फ्रेशली बन रही थी और ये सब खाने में यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और यहाँ पे बहुत लोग क्रेजी है ये सारी चीज़ों के लिए। जैसे दिवालियों में छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं ना मिठाइयों के, यहाँ पे ना दशहरा में और उत्तरायण में आपको हर जगह ऐसे स्टॉल्स देखेंगे जो आपको गर्मा गर्म फ्रेश जलेबी और फाफड़ा सुबह 5 बजे से चालू हो जाता है और ऑलमोस्ट 12 बजे तक, 1 बजे तक इनका पूरा स्टॉक भी क्लियर हो जाता है। सो आप देख सकते हैं रिवर फ्रंट वाले रोड पे हम आ गए हैं और यहाँ कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्लावर शो भी चल रहा है। सो फ्लावर शो के लिए आपको बेटर है कि अगर आप जाना है ना तो ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए, बिकॉज वहाँ के टिकट काउंटर में बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन होती है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश था। फ्लावर शो तो देखने नहीं गए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम आ गए काइट फेस्टिवल देखने और इधर भी उतना वैसा ही माहौल था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस एरिया में था। एंड दिस इज माय थर्ड टाइम आई गेस जो मैं ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल देखने जा रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी काइट्स आती है, बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के, फूड्स के स्टॉल्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। ओवरऑल यू कैन सी कि ये कलरफुल फ्लैग्स आपको दिख रहे होंगे, मतलब हम आ चुके हैं काइट फेस्टिवल में और यहाँ हम अपनी व्हीकल पार्क कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। कल हमने पार्क कर दिया, अब रोड क्रॉस करके हमें जाना है उस पार टुवर्ड्स द एंट्रेंस। एंड यहाँ से हसल एंड बिसल शुरू हो जाता है, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं काइट फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए। ये है हमारा फर्स्ट गेट एंड उसके बाद ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये सेकंड गेट है जो काइट फेस्टिवल के लिए जाता है। एंड इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनली लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए काइट फेस्टिवल में। इस बार अराउंड 66+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एंड वो लोग अपनी बड़ी बड़ी काइट्स यहाँ पर लेके आते हैं एंड बहुत अच्छा सा कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, तो ये दोनों साइड आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ इसलिए है क्योंकि दोनों साइड ना फूड कोर्ट्स लगे होते हैं।
सारे वैरायटीज़ ऑफ फूड, स्नैक, ड्रिंक्स, ये सब आपको मिल जाएगी। पूरी खाने पीने की चीज़ें दोनों साइड लगी हुई है। अलग अलग दो टॉम्बनी हुए थे विच डिस्प्लेज हिस्ट्री ऑफ काइट्स एंड काइट्स फोटो गैलरी, जहाँ फ़ोटो गैलरी में अलग अलग काइट्स के फ़ोटो बूथ बने हुए थे। आप जहाँ जाके अपनी सेल्फीज खिंचा सकते हैं, फ़ोटोज खिंचा सकते हैं। एंड वी कैन सी के अंदर बहुत ज़्यादा रश है, मैं चल के दिखाती हूँ आपको। के अंदर सब फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे अलग अलग और दो सेक्शंस थे, जहाँ पे एक भैया जो थे यहाँ पे काइट्स बना रहे थे, तो काइट्स कैसे बनती है ये पूरा बता रहे थे यहाँ पे। एंड और एक सेक्शन था जहाँ पे क्विज वगैरह हो रहे थे, वो भी आप खेल सकते थे चाहे तो। एंड ये सारे रील्स मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपलोड किए हैं, सो आप जाके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर चेक कर सकते हैं। तो ये थी सबसे बड़ी काइट जो ऊपर आपको दिख रही है ना वो। सो इस सेक्शन में थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे आपको ना आर्ट एंड क्राफ्ट के भी बहुत सारे एग्जीबिशंस दिखेंगे, बहुत सारे गेम्स वगैरह भी यहाँ पे हो रहे थे। सो आप रश देख के समझ ही सकते हैं कि वहाँ पे भीड़ कितनी थी। वो आगे जाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करके धक्का मुक्की दे के आगे आपको जाना पड़ेगा अगर जाना है तो। अच्छी खासी भीड़ होती है। एंड ये थी सबसे बड़ी काइट जिसे उड़ाने के लिए आई गेस बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। सब वेट कर रहे थे कि ये बड़ी काइट उड़े, बट आई डोंट नो। तो आप देख सकते हैं भीड़ मेरे पीछे, कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा क्राउड है, बहुत सारी क्राउड थी यहाँ पे। एंड सब कोई वेट कर रहे थे कि बहुत सारी काइट्स डिस्प्ले हो, बट ये जो टाइम था ना, हम कहते हैं अराउंड 3 to 4 क्लॉक के बीच में। एंड उस टाइम इतना ज़्यादा यहाँ पे बट ज़्यादा काइट्स यहाँ नहीं उड़ रही थी एंड सब कोई बस वेट कर रहे थे। सो हम थोड़ा सा रिवर फ्रंट घूम लिए, आप देख सकते हैं ये एज यूजुअल मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बहुत ही मज़ा आता है यहाँ आके। फाइनली ट्राइंग बट आई गेस ना ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है और इसे बहुत सारे लोग भी मिल के उड़ा रहे थे, बट स्टिल इसमें विंड का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सो बहुत ट्राई कर रहे थे बट स्टिल ये उतने अच्छे से नहीं उड़ पाई। आई गेस इसके लिए बहुत ज़्यादा विंड चाहिए होती है, जो शायद उस टाइम पर नहीं थे, इसलिए उतने अच्छे से उड़ नहीं रही थी। और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी यहाँ पे काइट्स आप नीचे या वाइट एंड ब्लैक वाली देख सकते हो, ये भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी बड़ी काइट्स होती है यहाँ पे। एंड ये जो आप टेंट्स देख रहे हैं वाइट कलर के, इतने सारे जो टेंट्स बने हैं ना, इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के टेंट हैं। सो सब अपना अपना डिस्प्ले करते हैं काइट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। एंड अगर आप भी अहमदाबाद से हैं और काइट फेस्टिवल देखने गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। टाइप की काइट्स थी जिसमें आई लव इंडिया, आई लव मोदी, गुजरात टाइटन्स, ऐसे बहुत सारे टाइप की काइट्स थे। तो काइट फेस्टिवल देख के हम निकल रहे हैं, दैट्स इट। हम वापस जा रहे हैं थोड़ा सा घूम के अपने सोसाइटी, अपने घर।
एंड यहाँ पे माहौल कुछ ज़्यादा ही अच्छा था बिकॉज नाइट हो गई थी एंड फिर भी छत पे टेरेस पे बहुत ज़्यादा लोग थे एंड अब सारे फायर क्रैकर्स थे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा माहौल बना हुआ है। सो ट्रायन यहाँ पे ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट लाइक दिवाली, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप सब ट्रायन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लोहड़ी हो गया, पोंगल हो गया, आप सब कैसे सेलिब्रेट करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे फिट, बाय बाय।